आज हम विलियम शेक्सपियर की तीसरी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज की तीसरी सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कैटेगरी दैट टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज बिलोंग टू। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर का जो दो वर्क है, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, ये क्या बिलोंग क्या करता है, ये है क्या, नैरेटिव पोएम्स है कि ट्रेजडीज है कि हिस्टोरिकल प्लेज है कि कॉमेडीज है। तो क्या है स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसका क्या है, नैरेटिव पोएम्स है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। जो इंग्लैंड का नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जा रहा है कि इंग्लैंड के नेशनल पोएट किसे कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। तो जो इंग्लैंड का नेशनल पोएट है विलियम शेक्सपियर, उनको क्या टर्म्स दिया गया है, ये जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में उनको क्या टर्म्स दिया गया, क्या कहकर बुलाया जाता है उनको, तो क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या है, बार्ड ऑफ एवोन। विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवोन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो बुक है इसको सेलिब्रेट किसने लिखा है, सॉरी, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो सेलिब्रेटेड बुक है इसको किसने लिखा है, तो राइट आंसर क्या है, ए सी ब्रेडली। नेक्स्ट, साइलोक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो साइलोक कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्लेज में है, तो किस प्लेज में स्टूडेंट्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, जो कि एक जीव है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर्स। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर विमेन कैरेक्टर्स। तो कौन है फोर्थ विच, जो शेक्सपियर के विमेन कैरेक्टर्स में से किसे फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है, किसे फोर्थ विच कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लेडी मैकबेथ को, जो मैकबेथ की वाइफ, लेडी मैकबेथ को। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज। मैकबेथ की वाइफ, शेक्सपियरियन जो प्ले है, मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम है, तो क्या नाम है इसमें, ना कॉर्डिलिया है, ना कैल्पुरनिया है, ना ही डेस्डिमोना है, तो ये राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। उसको तो मैकबेथ में किस नाम से हम लोग जानते हैं, लेडी मैकबेथ के नाम से जाने जाते हैं, वो नाम है, लेडी मैकबेथ के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ स्पोकिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। मैकबेथ में ये किसने कहा है, ये जो लाइनें हैं, ये जो वर्ड्स है, ये शेक्सपियर के मैकबेथ में किसने कहा है, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। किसने कहा, फर्स्ट विच की, सेकंड विच की, थर्ड विच की, नन ऑफ दीज, किसने कहा स्टूडेंट्स, इसमें से किसी ने नहीं कहा है, तो राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। ये लाइन किसने कहा है मैकबेथ में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये लाइन किसने कहा है, अगर नहीं बता पाए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट है, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। इसमें से कौन सा प्ले उस कैटेगरी का नहीं है, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, द टेम्पेस्ट। तो ओथेलो, ओथेलो क्या है, ट्रेजेडी है, किंग लियर भी ट्रेजेडी है, हैमलेट भी क्या है, ट्रेजेडी है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये तीनों क्या है, ट्रेजेडी हैं, बट द टेम्पेस्ट क्या है, द टेम्पेस्ट एक ड्रामेटिक रोमांस है, तुम्हारा राइट आंसर क्या है, द टेम्पेस्ट, डी। नेक्स्ट,
does Polonius send to France to spy on Laertes? Polonius France किसे भेजता है Laertes पे spy करने के लिए? तो किसे भेजता है? Right answer क्या है? Rinaldo को. Right answer हमारा किसे भेजता है? Rinaldo को. Next, how many characters died during the course of the play Hamlet? कितने characters मर चुके थे हेमलेट के जब प्ले चल रहा था, तो कितने कैरेक्टर्स मर चुके थे? इसमें ये पूछा जा रहा है कितने कैरेक्टर्स मरे थे. तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? एट. कितने कैरेक्टर्स? एट. आप लोग मुझे बताएंगे कि हेमलेट में कितने फीमेल कैरेक्टर हैं और कितनी मेल कैरेक्टर हैं. आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हेमलेट में कितने मेल और कितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं. ओके, नेक्स्ट. Who speaks the famous to be or not to be? सुन लोगे. ये कौन बोलता है ये famous line to be or not to be? तो Hamlet. Hamlet में Hamlet ही बोलता है. Next है the complete title of Shakespearean tragedy Hamlet is. Hamlet का पूरा नाम क्या है? मतलब Hamlet जो play है उसका complete title क्या है? तो क्या है right answer क्या है? The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Next, which is Shakespeare's longest play with 30,057 words? Shakespeare का longest play कौन सा है जिसमें 30,557 words हैं? तो longest play कौन सा है students? Longest play हमारा क्या है? Right answer क्या है? Hamlet. जिसमें कितने वर्ड्स हैं? 30,557. अच्छा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्ले की बात हो रही है तो शॉर्टेस्ट प्ले भी होगा. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है. लॉन्गेस्ट प्ले हमारा हैमलेट है, तो शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है और उसमें कितने वर्ड्स हैं? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which play of Shakespeare depict Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who has murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother? तो Shakespeare का कौन सा ऐसा play depict करता है? Depict means क्या होता है? दर्शाता है या बताता है. तो Shakespeare का कौन सा play ऐसा है जो depict करता है Prince Hamlet और उसके बदले को, जो अपने ही uncle Claudius के against है? जो उसने क्या कर दिया, जो उसका अंकल है वो उसने क्या कर दिया, हैमलेट के फादर को मार दिया है सिर्फ इसलिए, गद्दी के लिए और हैमलेट की मदर से शादी करने के लिए. तो ऐसा कौन सा प्ले है? तो कौन सा प्ले राइट आंसर क्या है? हैमलेट. नेक्स्ट है शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज सेट इन. शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है इसकी सेटिंग कहाँ हुई है? तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डेनमार्क में. नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला? शेक्सपियर का कौन सा प्ले डिस्क्राइब करता है द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला? तो राइट आंसर क्या है? हैमलेट. नेक्स्ट है Which of the following work worked as a source to Shakespeare Hamlet? तो Shakespeare का जो Hamlet है उसका source क्या है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है. तो source क्या है? Right answer क्या है? The Legend of Hamlet, Saxo Grammaticus Gesta Tenorum, और Hamlet. ये तीनों आपके Hamlet जो वो प्ले है उसका source है ये तीनों. The Legend of Hamlet, Saxo Grammaticus Gesta Tenorum और Hamlet. ये तीनों सोर्स है. तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स प्लेड द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेनी ऑफ शेक्सपियर प्लेज इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो, रिचार्ड थर्ड एंड किंग लियर? तो कौन सा एक्टर है जिसने ये प्ले रोल प्ले किया है, परफॉर्म्स किया है शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में, जैसे हैमलेट, ओथेलो, रिचार्ड थर्ड, किंग लियर? तो कौन सा एक्टर इन चारों प्ले में रोल प्ले किया है?
तो राइट आंसर क्या है, रिचार्ड बर्मेज. नेक्स्ट, विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम. इस की से यानी कि इस सोनेट से शेक्सपियर ने क्या कर दिया है, अपने हृदय को अनलॉक्ड कर दिया है, खोल दिया अपने दिल को. तो ये किसने कहा, ये वर्ड्स किसके हैं, तो किसके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है स्कॉर्न नॉट द सोनेट, स्कॉर्न नॉट द सोनेट, उसमें उन्होंने ये चीज कही है. इस जो प्ले है, इनका जो वर्क है, ये सोनेट है, इनका पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसमें इन्होंने ये बात कही है, विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट. तो किसने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. नेक्स्ट एंड लास्ट है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, इज अ रिमार्क बाय, ये किसका रिमार्क है, कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, ये किसका रिमार्क है. तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, निकोल. तो ये हमारा आज शेक्सपियर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन थे और ये हमारे शेक्सपियर की तीसरी सीरीज थी. अगली सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, शेक्सपियर के और भी क्वेश्चन हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को, क्वेश्चन कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्वेश्चन कैसे हैं, और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू.